जय हिंद। इस वीडियो के अंदर आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपको पता होगा कि अभी अभी कुछ समय पहले एक जो है कटिंग आया था, जिसमें कि आपके रिजल्ट को लेकर के कुछ चीज़ें जो है वो लिखी गई हैं, और वो जो कटिंग है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है आपके रिगार्डिंग आंसर की से संबंधित है वो, और उसमें क्या क्या लिखा गया है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। उसके बाद में फिर मैं इस कटिंग के ऊपर अपना मत जो है वो आपके सामने रखूँगा। यहाँ पर देखिएगा, अगर आप देखेंगे इसमें, आप देखिए स्क्रीन पर ये चल रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है ये भारत समाचार न्यूज़पेपर का कटिंग है, और इसमें लिखा हुआ है कि 11 सितंबर से 19 सितंबर, मतलब आज 19 तारीख है और आज का ही लास्ट डेट जो है इन्होंने बता रखा है। और वैसा भी है कि आप जो भी आंसर की में अगर आप आपत्ति दर्ज करना चाहते हैं तो वो 19 तारीख जो है वो आपका फाइनल है, लास्ट है। इसके बाद में 19 सितंबर की रात 12 बजे तक आपकी आपत्तियाँ जो है वो स्वीकृत होंगी, और बोल रखा है कि अभ्यर्थियों की मांगी गई आपत्तियों का निस्तारण बहुत जल्द जो है वो शुरू होने वाला है, और इसमें लिखा गया है कि निस्तारण शुरू हो भी गया है, क्योंकि इससे पहले जितने भी शिफ्ट हैं आपको पता होगा 23, 24, 25 और 30 तारीख की शिफ्टों की आपत्तियां दर्ज हो चुकी हैं, उनका डेट भी निकल गया है, तो ऐसे में उनका जो निस्तारण है, जो जो प्रॉब्लम्स आई थी स्टूडेंट्स ने जिन जिन क्वेश्चंस को गलत बताया था, वो सारे के सारे जो है उन पर निस्तारण का काम शुरू हो चुका है अकॉर्डिंग टू दिस न्यूज़पेपर। इसके बाद में इन्होंने बोल रखा है कि सितंबर के अंत तक कट ऑफ सूची जारी होने की उम्मीद है, जैसा कि इस न्यूज़पेपर में लिखा गया है कि सितंबर के लास्ट तक, मतलब आप देख सकते हैं आज 19 तारीख है और 19 तारीख के बाद में, मतलब ये वाला महीना पूरा पूरा जो है वो आपके द्वारा जो ऑब्जेक्ट किए गए क्वेश्चंस हैं, जिन क्वेश्चंस पर आपत्ति लगाई है उन क्वेश्चंस में सही कितने गलत कितने, कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जिनके दो दो विकल्प हैं, तो उन सभी का निस्तारण होने के बाद में ही आपका जो वो फाइनल जो रिवाइज्ड आंसर की वो आएगी। और मुझे ऐसा लगता है क्योंकि इसमें कम से कम पूरी प्रक्रिया में 8-10 दिन तो आराम से लग जाएंगे, और उसके बाद में ही रिवाइज्ड आंसर की आएगा। देखिएगा आपका जो रिजल्ट होता है, आपको पता होगा रिजल्ट डिपेंड करता है आपके फिजिकल पर, कि फिजिकल किस महीने में हो रहा है, तो उससे कुछ समय पहले ही आपका रिजल्ट आता है। तो रिजल्ट और फिजिकल तो दोनों एक चीज़ हो गई, क्या दोनों एक चीज़ हो गई, लेकिन रिवाइज्ड आंसर की का आपके रिजल्ट से कोई संबंध नहीं होता है। तो रिवाइज्ड आंसर की तो आप ये मान लीजिएगा कि अगले महीने के फर्स्ट वीक में आराम से आ जानी चाहिए, क्योंकि अगर पूरा का पूरा जो 10-12 दिन का समय मिल रहा है, उस 10-12 दिन में आराम पर्याप्त समय है, और उसमें सारे क्वेश्चंस जिन पर आपत्ति लगाई गई है उन सभी क्वेश्चंस का निस्तारण हो जाएगा। उसके बाद में आपका जो रिवाइज्ड आंसर की है वो आएगा, और रिवाइज्ड आंसर की आने के बाद में आप ये सब फील करेंगे कि बहुत क्वेश्चन ऐसे होंगे, मतलब अगर टोटल जोड़ लिया जाए तो आराम से जो है वो 14-15 से 20 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो अलग अलग शिफ्टों में आए हुए थे, और उनमें या तो दो विकल्प थे या दो, मतलब पूरा क्वेश्चन ही गलत था। तो ये सब का जो निस्तारण है वो आप देख पाएंगे, इस महीने के लास्ट तक हो जाना चाहिए और हो जाएगा, मतलब एक पर्याप्त समय है। अब देखिएगा रिवाइज्ड आंसर की आपके पहले, मतलब अक्टूबर के पहले महीने, मतलब फर्स्ट वीक में आ जाएगी। उसके बाद में जो आपका रिजल्ट होगा वो देखिएगा, रिजल्ट जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है, आपको पता होगा कि नई भर्ती के बारे में भी योगी आदित्यनाथ जी ने जो है वो अनाउंसमेंट किया है, 40,000 नई जो है भर्ती की जाएगी कांस्टेबल की। अगर वो जल्दी होती, और ऐसा नहीं है कि आप ये सोचें कि ये पहली भर्ती पूरी कंप्लीट हो जाए उसके बाद में ही दूसरी भर्ती आए, इससे पहले भी ऐसा हो चुका है कि पहली एक भर्ती कंटिन्यू चल रही थी और दूसरी भर्ती का नोटिफिकेशन आ गया था। आप ऐसे मानिएगा जैसे एसएससी जीडी की जो भर्ती है वो भी चल रही है, और इससे पहले आगामी जो एसएससी जीडी की भर्ती उसके जो फॉर्म फिलिंग चल रहा है, समझ में आ गया। तो ये चीज़ें ऐसे ही इसको ओवरलैप करेगा अगला जो 40,000 की भर्ती है। तो जिन विद्यार्थियों के भी कम नंबर हैं वो अपनी तैयारी करते रहें, और आप ये देख पाएंगे कि इसका देखिए, अगर फिजिकल जो अगर नवंबर दिसंबर में कराना होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको अक्टूबर लास्ट नवंबर के फर्स्ट में आपको पूरी हलचल सुनाई दे जाएगी। रिवाइज्ड आंसर की आने के बाद में सिर्फ यही काम रहेगा कि आपका रिजल्ट जारी करने के बाद में आपका फिजिकल कराया जाए। जब रिवाइज्ड आंसर की आ जाता है और नॉर्मलाइजेशन हो जाता है, तो उसके बाद में सीधे सीधे एक्सेल सीट में बस ये देखना होता है कि हमको कितने, मतलब 1.5 लाख अगर ज़्यादा से बच्चे बुलाने तो सीधे ऊपर से 1.5 लाख कितने आ रहे हैं, हर कैटेगरी में कितने कितने हमको लेने, जितना आएगा मतलब समझ लो कि एक घंटे में वो सारा का पूरा सीट आपके सामने आ जाएगा, समझ बात आ गया। तो ऐसे में रिजल्ट को निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन रिजल्ट के बाद में, क्योंकि आपको पता है जितनी भी यूपी पुलिस के अंदर भर्तियां हुई हैं उन सब के अंदर रिजल्ट के बाद ज़्यादा इंतजार आपको नहीं करना पड़ा है, रिजल्ट के बाद में ही आपका जो फिजिकल चालू हो जाता है। अब मान लीजिएगा, एक सपोज कर लीजिएगा कि आपका जो फिजिकल है, क्या आपका जो फिजिकल है मान लीजिएगा दिसंबर में चालू होगा, तो इसका मतलब सितंबर तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, आधा सितंबर निकल ही गया।
तो अक्टूबर और नवंबर मतलब आपके पास में 2-2.5 महीने का समय है, जो एक पर्याप्त समय है कि आप 4800 मीटर का रनिंग 25 मिनट में आराम से कर पाएंगे और उसका प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। ठीक है, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को ये पता है कि उनका स्कोर कितना है और वो अपने आप को जो है वो यूटिलाइज भी कर दिया उन्होंने अपने आप को, एकदम समझ रहे ना, अपने आप को वो कॉन्फिडेंस में भी ले चुके हैं कि हाँ मेरा नंबर आएगा। और इस चीज़ को लेकर के आप ये मान लीजिएगा कि आपका जो फ्यूचर में होने वाला जो फिजिकल है यार, उसके लिए और किसी भी गलती की वजह से आप यार ये मत करना कि यार मतलब क्या करें फिजिकल में हम रह गए, समझ रहे हैं मेरी बात को, बहुत बड़ा रिग्रेट होगा, इतना बड़ा रिग्रेट होगा कि आप 3-4 दिन तक तो अपने आप को कवर अप नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो मेहनत आपने फिजिकल में किया है मेरे भाई, जो एग्ज़ाम में किया है वैसे ही आप फिजिकल में कर लीजिएगा, क्योंकि फिजिकल ही है जो आपको चुनौती देगा, समझ रहे हैं ना। जिस तरीके से एक मेहनत लगती है पेपर को, किसी भी पेपर को पास करने में, और आप जानते हैं कि उसके ही इक्वल जो होता है आपका फिजिकल की जो मेहनत है वो भी लगती है, क्योंकि फिजिकल की मेहनत को आप मान लीजिएगा 5 किलोमीटर अगर आप दौड़ रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कई बार आपकी हिम्मत टूटेगी और कई बार ये जवाब देंगे यार हो गया यार अब हमसे नहीं हो पाएगा। और ये बता रहा हूँ ऐसे कई विद्यार्थी होंगे जिनका जब रियल फिजिकल चलेगा फिजिकल ग्राउंड में तो आप ये फील करेंगे कि आपका जो हिम्मत है ना वो कई बार जवाब दे जाएगा। तो वो जो हिम्मत जो आपको कॉन्फिडेंस आएगा वो तभी आएगा जब आप घर पर प्रैक्टिस करेंगे और 25 मिनट से पहले उस पूरी 4800 मीटर की रनिंग को एकदम क्लियर करेंगे, समझ रहे हैं मेरी बात को, तभी वो कॉन्फिडेंस आएगा, तभी आप बेहतर कर पाएंगे। तो ये सारी एक अपडेट था जिसको लेकर के आपके मेरे पास में व्हाट्सअप मैसेज आए कि भैया इसको थोड़ा सा आप बताइएगा क्या चल रहा है, क्या ये सही है क्या गलत है, ऐसा कुछ कटिंग है। और इसको लेकर के मैंने आपको अपना अनुमान बता दिया कि भैया रिवाइज्ड आंसर की से संबंधित है, उसका रिवाइज्ड आंसर की मतलब आप अक्टूबर के महीने में आप देख पाएंगे, और जो आपका फिजिकल है वो संभावतः बहुत शीघ्र होगा, तो देख सकते हैं कि नवंबर में आपको कुछ ना कुछ अपडेट इसका मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें चलेगा, अपना आप ध्यान रखिए और तैयारी करिएगा। जीडी का भी नेक्स्ट पेपर आने वाला है और यूपी पुलिस के भी नया भर्ती आने वाला है 40,000 का, तो स्वाभाविक सी बात है उस पेपर के लिए जो गलतियाँ हुई हैं उनको देखिए और रिविज़न करिए, और अच्छा लगेगा जिनके नंबर अच्छे हैं वो अपना फिजिकल पर ध्यान दीजिएगा। आपको पता होगा लगभग 35 लाख बच्चों ने इसमें पेपर दिया, और पेपर देने के बाद में लाइक 1.5 से 2 लाख जो बच्चे हैं इसके बीच में जो स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा, समझ रहे हैं ना, बुलाया जाएगा। अब आप ये समझ रहे हैं ना जी, जब इतना बच्चों को बुलाया जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि कितने लाख बच्चे, अरे मान लो अगर 2 लाख भी, सीधे सीधे बात कर लेते हैं, 2 लाख भी अगर विद्यार्थी जो है फिजिकल में बुला लिए गए मतलब उन्हीं का चयन होगा, इसके बाद में बचे हुए 33 लाख हैं भाई वो तो मतलब रिजेक्ट ही होने। तो ये आप अपने आप को ये भी तैयार रखें, समझ रहे ना, अपने आप को इसलिए भी तैयार रखें कि आपका जान सकते ना जो पास होने का परसेंटेज है वो बहुत कम है, समझ रहे ना। तो इसीलिए आप अपने आप को पहले से प्रिपेयर रखें, ठीक है, ताकि अगर आपका नंबर किसी कारणवश अगर ऊपर नीचे हो जाता है तो अगली भर्ती पर उसकी तैयारी आप अच्छे से कर पाएँ। क्योंकि होता है ना जब बड़ा दुख होता है, बड़ा टेंशन होता है, जो जो हमने अपने मन के अंदर कुछ सोच रखा है और वैसा हमारे अकॉर्डिंग ना हो, ठीक है ना। ऐसे कई विद्यार्थी होंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं और उनके नंबर कम है, उनको भी पता है कि मेरा नंबर नहीं आना है, लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसे कई विद्यार्थी हैं और मोस्ट ऑफ टाइम ऐसे विद्यार्थियों को मैंने देखा है जिनका भाई कांस्टेबल रह गया था, सब इंस्पेक्टर में हो गया, ऐसे मैंने कई विद्यार्थियों को देखा है, ठीक है ना। इस चीज़ को आप विशेष ध्यान रखिएगा। और ऐसे विद्यार्थी भी होंगे कि सिर्फ हम यूपी पुलिस का चलो फिजिकल दे आएंगे यार, जाना तो है ही नहीं, किसी अदर में जाना है फिर हम, क्योंकि हम अगली भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि भाई आप जो है जो आपके हाथ में नौकरी मिल जाए उसको आप ले लेना, उसके साथ साथ में अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल आपने सुने होंगे, देखे होंगे, जिनके अंदर नौकरी लगने के बाद में तैयारी किया और उन्होंने अच्छी पोस्ट पर जो है वो दोबारा से जो है अपना दावा ठोक दिया। ऐसे कई विद्यार्थियों के एग्जाम्पल आपने सुने होंगे। तो बस वही वाली बात है, दोनों ही स्थिति के लिए, दोनों ही आपके लिए चैलेंजिंग स्थिति रहेंगी, दोनों के लिए आप तैयार रहना। आप तो देखो खुद जानते हैं 35 लाख बच्चों ने पेपर दिया और उसमें से 2 लाख को अगर बुला लिया गया, मैं मोटा मोटा आइडिया आपको बता रहा हूँ, अगर मान लो 2 लाख बुला लिए तो उसके बाद में 33 लाख विद्यार्थी मतलब छटनी होने वाली है, तो 33 लाख को दोबारा से री अटेम्प्ट करना पड़ेगा, दोबारा से री एग्ज़ाम देना पड़ेगा मतलब अगली भर्ती के लिए, ठीक है ना। तो आप ये मानते हैं कि आपकी जो पॉसिबिलिटी है वो किस चीज़ में ज़्यादा है, तो उस चीज़ को भी आप पहले से अपने आप को जो कॉन्फिडेंट रखें कि अगर मेरे सामने ये स्थिति आएगी तो चलो मैं इसको, ठीक है ना, देख लूँगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा और आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही है उम्मीद करता हूँ, और जैसे ऐसे इससे संबंधित कोई भी अपडेट आएगा
आप मुझे शेयर कर दिया करें जैसे आप करते हैं, और उसके बाद में जो भी अपना मत हुआ करेगा वो मैं आपके साथ में बता दिया करूँगा। और अच्छे से तैयारी करें। जीडी वाले विद्यार्थी भी फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म भर लीजिएगा, शायद उसका लास्ट डेट तो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, लेकिन उसका फॉर्म ज़रूर भर देना, उसकी तैयारी करेगा अच्छे से, ठीक है, मन लगा करके। चलेगा, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, वीडियो को देखने के लिए और जितना आपने प्यार और सपोर्ट दिखाया उस सब के लिए, और यार चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।